बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैलिडिटी के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट टाइम आपके साथ जो हमने एक्सपेरिमेंट के प्रोटोकॉल और कंट्रोल के हवाले से डिस्कशन किया था, तो उसको सामने रखते हुए ये आपके लिए एक डिस्कशन है। बेसिकली कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जो है डिक्शनरी की मीनिंग है, वैलिडिटी होती क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके अंदर आपके जो डाटा है उसकी वैलिडिटी कितनी है। तो जो डेफिनेशन है वैलिडिटी की वो क्या है कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉजिकली और फैक्चुअली साउंड एंड साउंडनेस या साउंडनेस होनी चाहिए। अब इसमें सवाल क्या है कि जी वन माइट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ आर डाटा। तो वैलिडिटी से मुराद क्या है कि वो लॉजिकली और फैक्चुअली इतनी मजबूत हो कि आप उस डाटा को एक्सेप्ट किया जा सके, या द स्टेट ऑफ बीइंग लीगली एंड ऑफिशियली बाइंडिंग और एक्सेप्टेबल। यानी अगेन कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बारे में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क जनरेट ही ना हो पाए। इस तरह की कोई लीगल बाइंडिंग होनी जरूरी है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए आमतौर पर हम क्या करते हैं कि वी हैव फोर मेजर क्वेश्चन। अगर तो वो क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका जो डाटा है वो मतलब सोचा जा सकता है कि इट इज वैलिड। अगर वो चारों के चारों क्वेश्चन इवैल्यूएट हो रहे हैं तो वो चार क्वेश्चन बेसिकली आपकी जो डिजाइन वैलिडिटी है एक्सपेरिमेंटल इवैल्यूएशन के लिए उसकी जो चार टाइप्स हैं उनको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे? पहली वाली आ गई है, इसके ऊपर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी। नाम से जाहिर है क्या करें आप कि आपने स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन निकालना है। जो भी आपने डाटा जमा किया है उसका स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन आप निकालेंगे तो जाके ये वैलिडिटी कंप्लीट होगी। क्या है क्वेश्चन, क्या है इसको आंसर करने के लिए, यानी ये स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन जो है इसकी वैलिडिटी आंसर करने के लिए आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। पहले तो ये बात है कि आपने जो भी दो वेरिएबल्स उठाए हैं जिनको आप आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनके दरमियान में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। से फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि जी स्ट्रेस है वो डायबिटीज कॉज कर रहा है, ठीक है जी, या डायबिटीज स्ट्रेस कॉज कर रहा है, जो भी है वो इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशनशिप मैं जनरेट कर पाई या नहीं कर पाई, ठीक है। तो वो जो मैं जो डाटा जमा करूंगी और उसके नतीजे में जो डायबिटीज क्रिएट होगा, दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल तरीका ये है कि मैं एनिमल को स्ट्रेस दूं और उसके बाद उसमें डायबिटीज क्रिएट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि स्ट्रेस का डायबिटीज से कोई ताल्लुक है या नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसके नतीजे में स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं, और इसका बाकायदा एक तरीका कार है कि आप एनिमल को इतना स्ट्रेस दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसके स्टमक के अंदर अल्सर्स बन जाए, ठीक है जी। तो ऐसे भी तरीकेकार मौजूद हैं। तो अब इस तरह की अगर चीजें मौजूद हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहले जो वैलिडिटी होगी वो क्या होगी कि आप मुझे ये बताएं कि भाई इफ देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, वो जो कि चेंज हो किसकी बेस पर, दूसरे वेरिएबल की वजह से, ठीक है। और जो दूसरा वेरिएबल है जो पहले वाले वेरिएबल को चेंज कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। यानी उसकी जात के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आ रहा है आपके डाटा की वजह से या किसी भी तरीके से। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कि वो तमाम तरीके, हम इस पूरे डिस्कशन में दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि जी आपका जो वैलिडिटी है वो है क्या, उस वैलिडिटी का क्वेश्चन क्या है, जो कि आंसर हो जाएगा तो वो वैलिडिटी कंप्लीट हो जाएगी। और तीसरी चीज ये देखना चाह रहे हैं हम कि अगर तो इनवैलिडिटी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, ठीक है जी। अब इसके अंदर जैसे हम बात करें स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी की बात करते हैं तो बेसिकली लो स्टैटिस्टिकल पावर एक रीजन है जिसकी वजह से आपकी जो वैलिडिटी है वो अफेक्ट हो सकती है। यानी डू यू हैव द एबिलिटी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस बिकॉज ऑफ दैट डाटा, ठीक है जी। आमतौर पे जो आपका जो स्टैटिस्टिकल पावर है वो 80% रहता है और 80% से कम का जो पावर होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता स्टैटिस्टिकली, पहली चीज तो ये। उसके अलावा ये कि आपका डाटा इतना सफिशिएंट है कि प्रॉपर तरीके से जो आपका जो नल हाइपोथीसिस जिसको रिजेक्ट होना था वही रिजेक्ट हुआ, पता चला कि होना कुछ और था कर कुछ और दिया आपने, ठीक है जी। फिर उसके अलावा ये होता है कि वायलेटेड अजम्पशंस, इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट होते हैं अगर आप उनकी कोई किताब उठा के देखें, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, इसमें ये कि किसी भी टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बाकायदा ये एक बाकायदा से एक सेक्शन बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि इस टेस्ट को रन करने के लिए ये अजम्पशंस हैं। एक कुछ जगहों पे दो अजम्पशंस होती हैं और कुछ जगहों पे चार से पांच अजम्पशंस भी पाई जाती हैं,
क्या आपने आपका जब टेस्ट रन कर रहे थे तो आपने उन अजम्पशंस को सामने रखते हुए वो टेस्ट रन किया या नहीं किया? अगर तो आपने अजम्पशंस बायपास कर दिए तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम कंडीशंस ही नहीं अप्लाई हो रही थी जिसकी बेस पर वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाना चाहिए था। अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने टेस्ट ही गलत लगाया, जब टेस्ट गलत लगाया तो इन्फ्रेंस गलत आया, जब इन्फ्रेंस गलत आया तो ऑब्वियसली आप के जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। एरर रेट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एरर बेसिकली इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ इनकरेक्ट कंक्लूजन। अच्छा, दो तरह का एरर होता है, टाइप वन एरर होता है और टाइप टू एरर होता है। टाइप वन एरर में जो है आपकी फॉल्सली नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होती है, यानी उसको एक्सेप्ट होना था रिजेक्ट कर देते हैं, और टाइप टू एरर के अंदर जो है वो फॉल्सली आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होती है, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए था लेकिन वो रिजेक्ट कर दी जाती है। अब उसकी वजह जाहिर सी बातें हुई कि आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से या तो डाटा कलेक्ट नहीं किया या फिर आपने जो है उसके ऊपर टेस्ट जो है वो वैलिड वाले जो उस रिजल्ट को शो करते वो वाले टेस्ट ही नहीं रन की, नेट रिजल्ट ये निकला कि आपका जो है वो स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस गलत हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है आपकी स्टेटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी को खराब करने के लिए। इसके बाद फिर आता है रिलायबिलिटी और वेरियंस। जितना ज्यादा डेटा होगा, जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी डेटा के अंदर, उतनी उसकी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है जी, आप किस तरह से है कि जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंक्लूजन ही मतलब क्वेश्चन ही सही नहीं बनाया, क्वेश्चन सही नहीं बनाया तो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट सही नहीं बनाया, क्वेश्चन वैलिड ही नहीं पूछे, जब वो वैलिड नहीं पूछे तो उसके नतीजे में आप जो है उस पूरे प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सके, जब स्टैंडर्डाइज नहीं हो सका तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि आपके एक तो स्टैंडर्डाइज नहीं हुआ था, ऊपर से आप जो है वो जो तमाम जाते प्रोटोकॉल सही नहीं बना था तो आप जो इन्वायरमेंट के जो जो आपकी जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स थे उनको आप प्रॉपरली नहीं चेक कर सके, जब वो चेक नहीं हुए तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप जो है वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको सब्जेक्ट कैसा लेना है। जब सब्जेक्ट सही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि आपका डाटा रिलायबल नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाएगा। जितना ज्यादा वेरियंस आएगी उतना ज्यादा जो है वो रिलायबिलिटी कम होती चली जाएगी, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको अगर हम बाईपास कर जाते हैं तो पक्का है कि हमारा जो डाटा है वो खराब होगा और कंक्लूजन खराब निकलेंगे और उन खराब कंक्लूजन के नतीजे में आपकी जो 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 रिसर्च है उसको उसकी वैलिडिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है जी, तो पहली चीज तो ये याद रखनी जरूरी है कि स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन वैलिडिटी में आपने प्रॉपर टेस्ट लगाने हैं और वो उसी वक्त लगाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन सी जगह पे कौन सा टेस्ट लगना है, उस टेस्ट की क्या अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। वो टेस्ट कब लगेंगे, जब आपका स्टैटिस्टिकल पावर कितना होना चाहिए और एरर रेट का जो है वो आपने मार्जिन रखा है, मार्जिन ऑफ एरर कितना रखा है। जैसे कि हमने ये कहा कि आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 95% या 99% होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन बॉडीज के अंदर या बायोलॉजिकल बॉडीज के अंदर 99% का अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल रखते हैं तो आपके एरर होने के चांसेस बेइंतहा ज्यादा है, लेकिन 95% के ऊपर भी अगर एरर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके हैंडलिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके जो 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 सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आई है, उन्होंने आपके जो एक्सपेरिमेंट को ठीक से हैंडल नहीं किया जिसके नतीजे में आपका जो है डाटा वो खराब हुआ है। ठीक है जी, सेकेंड नंबर पे आपके पास आती है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इन द गिवन स्टेटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपने पहले वाले मतलब पहले वाले क्वेश्चन से आपने निकाल लिया है कि जी देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या है ये वाला जो क्वेश्चन है इंटरनल वैलिडिटी वाला सवाल है वो क्या है कि इज देयर एविडेंस दैट वन कॉजेस द अदर। ठीक है जी, यानी कि अब आपने ये चेक करना है कि जो पहले पहला क्वेश्चन था उसका जो रिलेशनशिप बन गया, अगर तो आपको रिलेशनशिप मिल रहा है तो क्या वो रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो है या नहीं है। यानी मैंने अगर वही डायबिटीज और स्ट्रेस की एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा लूँ तो क्या डायबिटीज स्ट्रेस कॉज कर रहा है या स्ट्रेस डायबिटीज कॉज कर रहा है, वो आपने इस तरह का कोई एविडेंस शो किया है या नहीं किया, उसके लिए आपने क्वेश्चंस इस तरह के बनाए कि नहीं बनाए वो देखने वाली बात है। तो वो चीज जो है किस तरह से आपने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल रखा जिसके नतीजे में ये जो रिलेशनशिप है ये ऑब्वियस हो सके वो देखने वाली बात है।
उसके अलावा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरनल वैलिडिटी देखती है कि क्या जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपने जनरेट किया है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतना स्ट्रांग था कि उसने डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरह से अफेक्ट किया है, या साथ में कुछ और भी फैक्टर्स थे जिनको नजरअंदाज कर दिया गया लेकिन उनकी वजह से ये इफेक्ट आ रहा है। से फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस आया, स्ट्रेस एक बंदे को मिला और उसके नतीजे में उसे डायबिटीज हो गया, तो क्या वो स्ट्रेस जो था वो अभी पिछले 5 मिनट पहले जो स्ट्रेस मिला था उसके नतीजे में आपने जब पेशेंट को पर्सन को देखा कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, आपने उस टाइम पे उसका ब्लड शुगर चेक किया तो वो ब्लड शुगर ज्यादा गया तो आपने कह दिया डायबिटीज है, या ऐसा हुआ कि वो एक बहुत लंबे अरसे से स्ट्रेस की कंडीशन में था जिसके नतीजे में उसकी तमाम जो भी एक्टिविटीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होना शुरू हो रही थी और उसकी बॉडी के ऊपर बीमारी के असरात नमूदार होना शुरू हो रहे थे, इस वजह से आप कह रहे हैं कि जी स्ट्रेस ने डायबिटीज कॉज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और नया वेरिएबल आ गया टाइम फ्रेम का कि अक्यूट स्ट्रेस के नतीजे में आपके जो है डायबिटीज हो रही है या नहीं, क्रॉनिक स्ट्रेस के नतीजे में ही डायबिटीज हो रही, तो ये जो फैक्टर अगर आप मिस कर गए तो ये कंफाउंडिंग फैक्टर हो जाएगा और ये कंफाउंडिंग फैक्टर आपके जो कंक्लूजन है उनको अफेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अच्छा अब ये जो 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 इंटरनल वैलिडिटी है उसके थ्रेट्स या इनकी बेस पर इंटरनल वैलिडिटी इवैल्यूएट हो पाती है वो ये तमाम लिस्ट है जो आपके सामने यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले आती है हिस्ट्री कि कोई सा स्पेसिफिक इवेंट है, ठीक है, वो तो नहीं बेसिकली आपकी जो इस जो जो क्या कहते हैं जो हिस्ट्री उसको मतलब आपके जो डाटा है उसको चेंज कर रहा। से फॉर एग्जाम्पल आपने बिहेवियरल टेस्ट करना है, लोग दो या तीन ग्रुप्स आपने बनाए और उन दोनों तीनों ग्रुप्स के साथ आपने ये रिस्पांस देखना है कि अगर उनके ऊपर एकदम से खुट्टा छोड़ दिया जाए तो वो क्या क्या करते हैं। अब से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में तीन या चार लोग ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री में कुत्ते के साथ का बहुत बड़ा एक इंसिडेंस पहले से मौजूद है, अब उनका जो रिस्पॉन्स आएगा क्या वो बाकी लोगों के रिस्पॉन्स की जैसा ही होगा या नहीं। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा जो आपके जो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं उनको अफेक्ट करना शुरू कर देगा। जो लोग कुत्ते से पहले ही डरते हैं उनके लिए जब वो कुत्ते के साथ एक्सपोजर होगा तो उनकी जो जो पैरामीटर्स होंगे वो इतने कुछ बुरे होंगे कि आपकी आउटलायर वैल्यूज जो है वो बढ़ जाएंगी और उसके नतीजे में आपका डाटा जो है वो खराब हो जाएगा, इंटरनल वैलिडिटी गई चूल्हे भाड़ में। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज है उसका ध्यान रखना जरूरी है। अगेन वही वाली बात है कि ये जो प्रीवियस हिस्ट्री थी वो कंफाउंडिंग फैक्टर बन गई आपकी और उसने आपके पूरे रिजल्ट का सत्यानाश करके रख दिया, तो उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉन्ग रन स्टडी कर रहे हैं तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एज में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है जी, फिर वो मैच्योर भी हो रहे हैं, उनको जो मेथड है प्रोटोकॉल है वो समझ में भी आना शुरू हो गया और उसके नतीजे में उन्होंने आपका बिहेवियर चेक करते हुए वो ये भी नोट करना चाह रहे हैं कि आप किस किस्म का जवाब चाह रहे हैं उनसे, वो तमाम चीजें मिलके क्या करेंगी उनकी मेच्योरिटी को बढ़ाएंगी और वो आपकी पसंद का जवाब देना शुरू कर देंगे, रिजल्ट बायस होना शुरू हो जाएगा, अगेन इंटरनल वैलिडिटी खराब हो जाएगी। फिर आता है एट्रिशन। एट्रिशन क्या है? बेसिकली इसका नाम है सब्जेक्ट ड्रॉपआउट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एक्सपेरिमेंटल मोर्टैलिटी भी कहा जाता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जी 25 लोगों का एक ग्रुप और 25 लोगों का दूसरा ग्रुप बनाया, उन दोनों को आपस में टेस्ट कर रहे हैं और जो 25 लोग जो थे जो कंट्रोल वाले थे वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं, अपना डाटा देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो बाकी के जो 25 थे जिनको आप ड्रग ट्रीटमेंट दे रहे थे उनमें से दो निकल गए एक महीने, दो निकल गए दूसरे महीने, दो निकल गए तीसरे महीने, 3 महीने की स्टडी थी, 3 महीने में 6 लोग चले गए। अब इन 6 लोगों के जाने के नतीजे में आपकी रैंडमाइजेशन अफेक्ट हो रही है या नहीं, अगर आपने रैंडमाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया था और ग्रुप्स बनाए थे रैंडमाइजेशन के, तो यहाँ आके आपकी रैंडमाइजेशन अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही पहले आपको ये चेक करना है। आप नियरली किसी भी बंदे को उठा के उस ग्रुप में दोबारा नहीं डाल सकते, वजह उसकी यह है कि एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए अगर आपने पार्टिसिपेंट्स कर्व सिलेक्ट किए तो ठीक है, वरना क्या होगा कि जी 2 महीने के बाद आपके 2 पार्टिसिपेंट्स चले गए, वो 2 पार्टिसिपेंट्स जब आप पूरे करेंगे तो ये मजीद 2 महीने आगे इनकी वजह से आपकी स्टडी चली जाएगी जो कि बाउंड मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब वो रिजल्ट्स आपके खराब हो सकते हैं।
दूसरा ये है कि अगर जो 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन की जगह आपने उसको 8 महीने कर दिया, तो एक तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि उससे मिलता जुलता काम किसी और ने अगर पब्लिश कर दिया तो आपकी तो पूरी ऐसी मेहनत चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेशन में आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि कहा आमतौर पर हम रैंडमली किसी को भी उठा के उस ग्रुप के अंदर ऐड कर देते हैं, ये नहीं करना है। हमारे पास स्टेटिस्टिकल टेस्ट मौजूद हैं जो कि अनइक्वल नंबर ऑफ जो आपकी जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर भी आपको टेस्ट रन करके और एनालिसिस करके दे देते हैं। तो कहा यह जाता है कि अगर बहुत ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर अंदर अगर आपकी अट्रिशन हो रही है तो उसके साथ मजीद छेड़छाड़ ना करें, मजीद पार्टिसिपेंट्स ऐड ना करें, उसी के ऊपर गुजारा कर लें। लेकिन अगर 75 हो, मतलब किसको ये हद होनी चाहिए ना, तो 80 या 75% से अगर ज्यादा आपकी अट्रिशन हो रही है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर आपका जो डेटा है वो जरा सा खराब हो जाएगा। तो आपको फिर उस टाइम के लिए दोबारा से रैंडमाइजेशन करके मजीद लोग ऐड करने पड़ेंगे, टाइम ड्यूरेशन आपके रिसर्च का वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह से है कि आपकी जो कंफाउंडिंग इफेक्ट है, प्री टेस्ट या रिपीटेड टेस्टिंग अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल है उसमें आप कर रहे हैं, तो आपका जो पार्टिसिपेंट है वो पहली मरतबा तो एक रिस्पॉन्स देगा, लेकिन चूंकि अगली मरतबा उसको दोबारा से उसी जगह से एक्सपोज होना होगा तो उसको पहले से मालूम होगा कि जी क्या 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 चीजें होती हैं, उसे पहले से पता है, उसके लिए कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं रह गया है, तो वो अपना जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है वो बहुत स्टेबल, बहुत सुलझा हुआ स्वभाव के साथ देगा, और उसके नतीजे में आपके डेटा का मतलब 3-5 हो जाएगा। इसलिए कि देखो, अगर आप उस जो एक रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, पहली मरतबा में आया, दूसरी दफा में नहीं आएगा, और तीसरी दफा में लोग मजीद एडजस्ट होते चले जाते हैं। से फॉर एग्जांपल, पहली मरतबा में आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि 10 लोग आपने उठाए हैं, उनमें आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि सीटी स्कैन का जो रूम है जिसके अंदर अकेला पेशेंट को छोड़ दिया जाता है, उसके टाइम पे लोगों के जो हार्ट रेट्स हैं वो कैसे। पहली मरतबा जो हार्ट रेट होगा वो दूसरी और तीसरी मरतबा सीटी स्कैन कराने पर नहीं होगा, इसलिए कि आपको पता है कि ये मशीन मुझे खा नहीं जाएगी, इस मशीन से मुझे कुछ नहीं होना, 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में ये मेरे पूरी बॉडी का स्कैन करेगी और वापस मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो वो जो पहली दफा में जो डर लगा था वो बाद में डर नहीं लगेगा, और उस डर ना लगने के नतीजे में आपका जो हार्ट रेट का जो इफेक्ट जो लोग चेक कर रहे थे वो नहीं, मतलब खत्म हो जाएगा, आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी, और ये अडेप्टेशन जो है वो ऑब्वियसली आपके जो इंटरनल वैलिडिटी है, आपके एक्सपेरिमेंट की जो इंटरनल वैलिडिटी, उसके लिए जहर कातिल के तौर पे एक्ट करता है। नाइविटी या नोवेलिटी का होना बहुत जरूरी है, यूजुअली ऐसी कंडीशंस में सिर्फ सिंगल एक्सपोजर करवाया जाता है अगर इस तरह की कोई चीज आपको चाहिए तो। अच्छा जी, इसके बाद फिर टेस्टिंग के बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट्स आर कंसर्न विद रिलायबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कैलिब्रेशन पर्पस के लिए चेंज कर दिए हैं तो उनका जो जो तरीकाकार है वो डिफरेंट हो जाएगा, और उसके नतीजे में हो सकता है कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो इनवैलिड आने शुरू हो जाएं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको चेक करना जरूरी है इसके लिए ना। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या है भाई कि से फॉर एग्जांपल आपने पार्टिसिपेंट्स जो लिए हैं वो ग्रुप में उनकी रैंडम सिलेक्शन की है, नहीं की, रैंडम सिलेक्शन नहीं की, दोनों ग्रुप्स में अनइक्वल किस्म के लोग हैं। से फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप है जिसमें जो हैं लोग बूढ़े ज़्यादा आ गए हैं, और जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर जो है वो थोड़े जवान लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। एज सेक्स मैच्ड ग्रुप्स या जो कंपैरेटर ग्रुप्स हैं वो बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, रैंडमाइजेशन एक तरीकाकार हो सकता है जिसके अंदर पहले फॉर, लेकिन उसके लिए आपको इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखने ज़रूरी है कि आपका रैंडमाइजेशन का प्रोसेस भी उस वक्त कंप्लीट हो पाएगा जब आपने पहले इंक्लूजन क्राइटेरिया के मुताबिक सब्जेक्ट्स ऐसे ही सिलेक्ट किए हैं जिनके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपने आंखें बंद करके 1 साल से लेके 80 साल तक के लोगों को आपने ग्रुप में डाल दिया तो आपके जो डाटा होगा रैंडमाइजेशन के नतीजे में भी वो इतना कोई हैफेजर्ड किस्म का डाटा बनेगा कि उस पे रिजल्ट्स नहीं आ सकेंगे। तो सिलेक्शन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। रिस्पोंडेंट्स की मैच्योरिटी बहुत अफेक्ट कर जाती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिस्पॉन्सिव होते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों को लेकर
और सिलेक्शन कर रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ इलाके हैं जहाँ पर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं उनको वो लोग कैसे, उसके बारे में उनका बिहेवियर किस तरह का है. तो वो इलाके जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं उनके बिहेवियर में, और जो वहाँ पे कभी भी नहीं आया और एकदम से एक नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा उसमें बहुत फर्क होगा. और बेसिकली वो हिस्ट्री की बेस पर होगा कि जी उनकी हिस्ट्री अलग है, उनके मुस्तकिल नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं तो वो उसके साथ मतलब ट्यून हुए हुए हैं और वो पता है उनको कि क्या करना है, किस तरह करना है. से फॉर एग्जाम्पल कहा ही जाता है कि जापान में हर 2 घंटे के बाद जो है वो ज़मीन में मूवमेंट होती है, ठीक है. और कभी कभी जो इनके जो हैं दिन में 2 से 3 जलजले के झटके डेली आते हैं, ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि वो जो जलजले के झटके हैं वो आते हैं तो उन्होंने अपने जो एरियाज हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि, और लोगों को इसकी ट्रेनिंग बचपन से दी जाती है, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अर्थक्वेक्स. तो इस तरह की अगर कोई चीज़ है, और एक पाकिस्तानियों को ले लें अगर आप उठा के, तो क्या कंपैरिजन बनेगा. कभी कभी एक साल मतलब आया, एक आया और कितना डिजास्टर हो जाता है पाकिस्तान में, एक आदमी आ जाता है, तो वो चीज़ें फिर इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है जी. तो इस तरह की अगर चीज़ें हैं तो आपको देखना ज़रूरी है कि उनकी बेस के ऊपर भी आपकी जो इंटरनल वैलिडिटी है वो अफेक्ट हो सकती है. एम्बिग्विटी अबाउट डायरेक्शन ऑफ द कॉजल इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि से फॉर एग्जांपल आपको कंफर्म ही नहीं है कि जो वेरिएबल ए है वो वेरिएबल बी कॉज कर रहा है. आप कभी सोचते हैं कि जी ए बी को कॉज कर रहा होगा, कभी कहते हैं आप बी ए को कॉज कर रहा है. तो आप अगर इसी कंफ्यूजन में रहेंगे तो कंक्लूजन कैसे बनाएंगे, ठीक है जी. तो वो भी आपकी जो जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो कंक्लूजन्स बनेंगे उनको अफेक्ट करेगा. डिफ्यूजन एंड इमिटेशन यूजुअली एनिमल स्टडीज के अंदर तो नहीं मिल रहा होता, लेकिन जैसे हम क्लिनिकल स्टडीज की बात करते हैं या ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. आपसे फॉर एग्जांपल 2 ग्रुप्स बनाए आपने और दोनों ग्रुप्स जो हैं उनको अलग ट्रीटमेंट में रखा हुआ है, और हो क्या रहा है कि उनको आपने इस तरह की टाइमिंग्स दी कि दोनों ग्रुप्स के लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ ना मिल सकें. अब क्या हुआ कि जी किसी एक टाइम पे कुछ ओवरलैपिंग हो गई और आपके दो जो मरीज हैं वो एक साथ आ गए दोनों अलग ग्रुप के. अब आपको उनसे मुलाकात का टाइम अभी प्रॉपर नहीं मिला. नेट रिजल्ट क्या निकला कि वो जो हैं वो उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी, दोनों को पता चल गया कि हम तो एक ही मकसद के लिए आए हैं. अब वो एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपको जो ड्रग मिलती है वो कैसे काम करती है, मुझे तो ये हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह नहीं हो रहा. तो वो कभी कभी ये होता है कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर की जाती है उसके अंदर फिर जो दूसरा वाला है जिसके पास वो चीज़ नहीं है वो उसको सोचना शुरू कर देता है, और उसके नतीजे में उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अफेक्ट होने लग जाते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो डिसेमिनेट कर जाती है. तो ये चीज़ें भी आपका जो वैलिडिटी है उसको अफेक्ट करती हैं और रिजल्ट ख़राब होता है. कॉम्पनसेटरी इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि आपके 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को बहुत अच्छी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है और जो दूसरा ग्रुप है उनको वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं मिल रही. आपने क्या किया, दोनों को एक जैसा दिखाने के लिए आपने उनके ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो देनी शुरू कर दी. नेट रिजल्ट ये निकला कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेने वाला ग्रुप था वो और जिनको आप एक्स्ट्रा तवज्जो दे रहे थे दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो गए और आपके रिजल्ट्स खराब हो गए, ठीक है जी. एक कॉम्पनसेटरी राइवलरी, इसके अंदर बिल्कुल अपोजिट चीज़ है. यहाँ पे रिसर्चर दे रहा था प्रॉब्लम, मतलब कॉम्पनसेटरी इक्वलाइजेशन में रिसर्चर एक्स्ट्रा केयर दे रहा था. यहाँ पे राइवलरी के अंदर जो है पार्टिसिपेंट्स जो है वो खुद जो है वो देख के इधर उधर से इंफॉर्मेशन गैदर करके वो देख के और खुद से, फॉर एग्जांपल 2 तरह के ग्रुप्स हैं, एक में फिजिकल एक्टिविटी करवाई जा रही है और एक में फिजिकल एक्टिविटी नॉर्मल नेचुरल पे रखी जा रही है. अब जो दूसरा वाला जो बंदा है, जो सेकंड वाला जो बंदा है जिसको हमने कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं बताई, वो उसको पता चला कि इस तरह करवा रहे हैं, तो वो खुद ही अपने तरफ से जो है वो अपने, उसने पेस बढ़ा दिया, उसने अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया. तो रिजल्ट क्या होगा आपका, जो पेशेंट जो जो आपका जो ट्रीटमेंट ग्रुप्स को जो आप आपस में कंपेयर कर रहे थे वो चीज़ खत्म हो जाएगी. तो इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी है. एडिंग अ कंट्रोल ग्रुप, रैंडम असाइनमेंट ऑफ द ग्रुप्स,
एंड नंबर थ्री ब्लाइंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडमली आपने अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो बहुत हद तक आप इन तमाम चीज़ों पे काबू पा सकते हैं. कंट्रोल ग्रुप डालना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा ये कि आप सब्जेक्ट्स को भी और रिसर्चर को भी ब्लाइंडिंग टेक्निक में ले जाइए ताकि किसी को पता ही ना चले कि उनको ट्रीटमेंट क्या दी जा रही थी और क्या हो रहा है, और उसके नतीजे में जो होगा कि वो जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकेंगे. आई थिंक यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. इसका जो बाकी का जो रिमेनिंग जो दो वैलिडिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.